दोस्तों इंसानियत को सलाम। फरिश्ता बनकर थाना प्रभारी ने बचाई युवती की जान। नगर के समीप लटौरा गांव की एक युवती नदी किनारे मिली अचेत अवस्था में पड़ी थी, जिसकी सूचना थाना प्रभारी सेफनी धर्मेंद्र सोलंकी को हुई, जिस पर थाना प्रभारी ने अपने लाव लश्कर के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ज्ञात जानकारी के अनुसार शनिवार को थाना प्रभारी को करणपुर के जंगल में एक बेहोश युवती के होने की सूचना मिली थी, जिस पर थाना प्रभारी मय फोर्स के वहां पहुंचे तो देखा कि ग्राम करणपुर से तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर नदी के किनारे एक युवती अचेत अवस्था में पड़ी थी। थाना प्रभारी के अलावा परिजन व अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। थाना प्रभारी ने तुरंत युवती को अपनी सरकारी गाड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद लेकर आए और उसका इलाज कराया। होश में आने के बाद परिजन व युवती ने बताया कि सुबह वो सोच के लिए निकली थी और अचानक बेहोश हो गई। उसने बताया कि उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। परिजनों ने वह उक्त कथन की पुष्टि की। परिजनों ने बताया कि उसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। परिजनों और स्वयं युवती के द्वारा लिखित तहरीर थाना प्रभारी को दी गई, जिसमें वे किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी के इस तरह की कार्यशैली से क्षेत्र की जनता उनकी काफी प्रशंसा कर रही है और लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस इसी तरह काम करे तो जनता खुश रहेगी। आपका क्या नाम है? कहाँ रहती हो? आपकी बेटी को यहाँ किसने पहुँचाया? ये लाए दीवान जी। कौन लाए? दीवान जी। अच्छा, पुलिस सेफनी पुलिस। हाँ। अच्छा, इन्होंने कैसे आपकी मदद करी? फोन करा, इन्होंने मदद करी। अच्छा, अगर पुलिस समय पे ना पहुँचती तो क्या हो सकता था? हमारी जाती ना पहुँचती। ठीक। कहाँ रहते हो? लटौरा। अच्छा, क्या घटना घटी? घटना क्या, हम सब लोग सवेरे उठे थे, हम कुछ उठ ही नहीं पाए तो ये उठी और ये सीधी लैटरिन करने चली गई। अच्छा। मतलब किसी से बोला भी नहीं कि मैं लैटरिन करने चाह रही हूँ, कोई चल रहा है नहीं चल रहा है, घर पे 3-4 लोग हैं तो किसी से नहीं कहा, ये सवेरे उठ के चली गई। फिर उसके बाद कम से कम आधा पौन घंटा हो गया हम देखते रहे घर पे कि आ जाए तो ये नहीं आ पाई। फिर हम ईको में देखने लगे गाँव की सारी के छानी हमने जितनी भी, फिर हमारे पास फोन वोन आया, किसी का मैसेज आया किसी पड़ोसी के मोबाइल पर कि रूबी की फोटो है वहीं डेर से। फिर आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी किसी और लोगों ने। पुलिस ने क्या मदद करी आपकी? पुलिस ने हमारी बहुत मदद करी है और इससे ज़्यादा कोई मदद भी नहीं कर पाएगा। अच्छा। इतनी मदद पुलिस ने करी है। अच्छा, कहाँ की पुलिस थी? 100 की तो स्पीड पर गाड़ी लेकर आए भजा के बहुत तेजी से। अच्छा। हाँ, पुलिस कहाँ की थी? पुलिस सेबली थाना। अच्छा, ठीक।